अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर चैनल। सरफू और सूरी की छोटी सी फैमिली में आप लोगों का वेलकम है। फ्रेंड्स, अभी मैं आ गई हूँ किचन में इफ्तार की प्रिपरेशंस करने के लिए। तो सबसे पहले मैं अभी सोची पुडिंग प्रिपेयर कर लूँ, पानी रख दी भर के फ्रिज में। तो अभी एक्चुअली मैं अभी ना फ्रेंड्स आज लेट हो गया, इसलिए मैं जस्ट जैसे पैकेट वाली जो आती है कैरेमल पुडिंग उसी को बना रही हूँ। टैंक की शरबत प्रिपेयर कर रही हूँ। फ्रेंड, जब तक वो पुडिंग सेट हो रही है तब तक मैं जो है फ्रूट चाट प्रिपेयर कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को और कुछ डिफरेंट स्टाइल में फ्रूट चाट प्रिपेयर करना बता रही हूँ। ये भी वो डिलीशियस लगता है। आप लोग जो मैं बता रही हूँ ना, प्लीज एक बार जरूर ट्राई करना फ्रूट चाट, ठीक है? इंशाल्लाह मैं रोज कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों को अलग अलग टाइप की फ्रूट चाट बताऊं। आप लोगों को जो फ्रूट्स पसंद है वो ले सकते। लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों को आगे का स्टेप शेयर करती हूँ कि मैं इसमें क्या ऐड करूँ। फ्रेंड्स, देखो पुडिंग जो है सेट हो गई है और ऊपर मैंने कैरेमल ड्रिजल कर दी हूँ। अब इसको रेफ्रिजरेटर में रख देती हूँ ठंडा होने के लिए, ठीक है? फ्रेंड्स, देखो मैंने सारे फ्रूट जो है वो कट कर ली हूँ। अब इसमें टैंग ऐड कर रही हूँ मैंगो फ्लेवर वाली, लेकिन थोड़ा सा इसको कॉन्सेंट्रेटेड मैंने बनाई हूँ, ठीक है? अगर आप लोगों के पास मैंगो का पल्प रहेगा तो वो भी ऐड कर सकते, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। एक्चुअली मैं अभी मेरे पास वो अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं ये ऐड कर रही हूँ, ठीक है? इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, आप लोग कभी ट्राई करके देखो। ये मैंने 100 ml ली थी फ्रूट्स की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। मैंगो फ्लेवर का ही लेना फ्रेंड्स, ठीक है? अब इसमें जो ऑरेंज को ऐसे डालना है उसका जूस जितना निकलेगा वो। ऑरेंज का और मैंगो का मिक्स कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, ये देखो मैंने अच्छे से मिक्स कर ली हूँ, वो डिलीशियस बनता है। आप लोग एक बार इसको जरूर ट्राई करना, बहुत फ्लेवरफुल रहता है ये। चलिए अभी इसको मैं रेफ्रिजरेटर में रख देती हूँ ठंडा होने के लिए, तो और टेस्टी लगेगा, ठीक है? फ्रेंड्स, अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ऑलमोस्ट काम डन हो गया, के लिए ले रही हूँ। मैं सोचू आज स्प्रिंग रोल फ्राई करूँ, जो बना के रखी थी ना फ्रीज करके, तो वही सोचू आज स्प्रिंग रोल फ्राई करती हूँ। और ब्रेड रोल भी है दो दो रखे हुए, तो उसी को भी फ्राई कर लेती, तो थोड़ा में बना नहीं पाई थी, तो सोची एक ही साथ में अपलोड कर देती हूँ कल वाला और आज वाला।
कल की इफ्तारी का 6th रोजे का और आज के 7th रोजे का, ठीक है। तो इंशाल्लाह आज देखो आज मजे मजे की चीजें मैं आप लोगों को शो करूंगी कि मैं क्या क्या प्रिपेयर कर रही हूँ इफ्तारी के लिए। आज आप लोग बहुत एंजॉय करोगे, ठीक है। तो पूरे एंड तक वीडियो में बने रहिए फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर कोई फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे विजिट कर रहा है सरफू और सूरी की फैमिली में, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। और जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब किए थैंक यू सो मच, और जो आने वाले हैं उन लोगों का मोस्ट वेलकम है हमारी फैमिली में। फ्रेंड्स बेल आइकन को जरूर हिट कर देना ताकि उन्हीं वीडियोस अपलोड करें तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन आए, आप लोग सबसे पहले हमारी वीडियोस देख पाए, ठीक है। तो चलिए अभी रेसिपी स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। चलिए सबसे पहले बनाते हैं चना चाट। ब्लैक चने का मैं चाट प्रिपेयर कर रही हूँ, ठीक है। कल का लार्ज साइज और एक स्मॉल साइज का जो टोमेटो ली हूँ, और 3 ग्रीन चिलीज ली हूँ, ठीक है। और कोरिएंडर को चॉप करना है, तो ये सब मैं फ्रेंड्स देखो मैंने 3 स्मॉल साइज के ओनियंस लिए, इसको फाइनली चॉप करना है चाट के लिए, ठीक है। फ्रेंड्स टोमेटो को भी फाइनली चॉप करना है, लेकिन ये अंदर का पल्प नहीं लेना है, ठीक है। सीड्स को मैं रिमूव, चना चाट प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। ये देखो मैंने बॉइल चने ऐड कर रही हूँ, ठीक है। ये आप लोगों ने रमजान प्रेप वाले मेरे व्लॉग में देखे रहेंगे, मैंने उसको बॉइल करके फ्रीज करके रख दी थी, तो वही वाले ये चने हैं। तो ये मैंने आप लोगों को जो टोमेटो बताई थी वो ऐड करूंगी, ओनियंस ऐड करूंगी, ग्रीन चिलीज एंड ये फाइनली चॉप कोरिएंडर, ये सब इसमें जाएगा। ये चाट बहुत डिलीशियस बनता है फ्रेंड्स, एक बार जरूर ट्राई करो आप लोग। आएगा 2 टीस्पून लेमन जूस, ठीक है। ये देखो ये मोटू अंकल लेकर आए अपने लिए लेमन जूस तो भी ये ऐड करूंगी, 2 टीस्पून लियो मैंने फ्रेश लेमन जूस, ठीक है। 1/2 टीस्पून जितना ड्राई मैंगो पाउडर, आमचूर पाउडर, रोस्टेड जीरा पाउडर 1 टीस्पून फुल, चाट मसाला 1 टीस्पून फुल, और स्पाइसी रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून फुल। मुझे थोड़ा चाट जो है स्पाइसी अच्छा लगता है इसलिए थोड़ा ज्यादा ऐड कर रही हूँ। 1/2 टीस्पून जितना ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च का पाउडर। लो फ्रेंड जो मैंने इंग्रेडिएंट्स बताई वो आप लोग उसको ऐड करना, देखो बहुत डिलीशियस बनेगा। और ये 1/2 टीस्पून जितना जो सॉल्ट ऐड करूंगी, सॉल्ट थोड़ा हल्का कम ही रखना क्योंकि मैंगो पाउडर में भी थोड़ी खटास रहती है और चाट मसाला में भी नमक रहता है वरना सॉल्टी हो जाएगा। चलिए अब इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। हाँ क्या खुशबू आ रही है फ्रेंड सारे मसालों की, चाट मसाला जीरा पाउडर की, वो डिलीशियस बनती है चाट। आप लोग इसको एक बार जरूर ट्राई करो, देखो कितनी झटके पट रेसिपी थी ना, एकदम इजी येट डिलीशियस। चलिए अभी ये अल्हम्दुलिल्लाह डन हो गया है, अब बादाम मिल्क बनाते हैं, ठीक है। आलमंड का मिल्क, आलमंड मिल्क ये देखो मैंने बादाम मिल्क को जो फ्रीज करके रखी थी आप लोगों ने मेरे रमजान प्रेप व्लॉग में देखे रहेंगे, तो वो ऐड करूंगी अभी इसमें। 1 ग्लास के लिए 1 टेबलस्पून जितना लेना है, इसमें शुगर वगैरह सब एडेड है फ्रेंड्स, ठीक है, तो कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। ये इतना हेल्दी होता है ना क्योंकि होल डे हम लोग फास्टिंग करते हैं, थोड़ी वीकनेस आ जाती है बॉडी में, तो हिसाब से भी बहुत अच्छा है। ये मिल्क को देखो मैंने बॉइल करके रखी थी, वही ऐड कर रही हूँ। फ्रेंड्स ये आलमंड मिल्क में जो मिल्क की क्वांटिटी मैं ज्यादा रखूंगी और पानी की क्वांटिटी जो थोड़ी कम रखूंगी, ठीक है। आप लोग आपके चॉइस के अकॉर्डिंग इसको प्रिपेयर कर सकते, चाहे तो पूरे कंप्लीट वाटर में भी इसको प्रिपेयर करके ड्रिंक कर सकते, वो भी बहुत डिलीशियस लगता है। फ्रेंड्स इसको मैंने फ्रीजर में रखी हुआ, एक्चुअली मैं अभी बहुत टाइम हो गया इसको बाहर निकाल के, तो इसलिए थोड़ा मेल्ट हो गया है, वो हार्ड नहीं होता है फ्रेंड्स, थोड़ी सॉफ्ट कंसिस्टेंसी में ही रहता है। चलिए भी इसको अच्छे से मिक्स कर दे। देखिए कितना इंस्टेंट प्रिपेयर हो गया, इसीलिए मैं सारी प्रिपरेशन जो है ना फ्रेंड्स रमजान के पहले करके रख देती हूँ ताकि रोजे में हम लोगों को ज्यादा तकलीफ नहीं हो। देखो अच्छे से डिजोल्व हो गया है, अब इसको एलिमेंट से जो गार्निश करेंगे, हल्का सा ऊपर से ऐड कर दूंगी।
फ्रेंड, जैसे कि अभी आप लोगों ने देखे मैंने चना चाट और आलमंड मिल्क प्रिपेयर कर ली हूँ। अब जो है मैं चीज फटाया और चीज पीरे भी बोलते हो इसको कोई कोई लोग, तो वो प्रिपेयर करूंगी और उसके बाद डेट की स्टिकी पुडिंग बनाऊंगी, ठीक है, खजूर की, बहुत अच्छी बनती है, आप लोग एक बार जरूर ट्राई करो इसको। तो चलिए सबसे पहले अभी चीज फटायर और या तो चीज पीरे, जो भी उसको आप लोग प्रोनाउंस करोगे, तो उसकी मैं अभी आप लोगों से रेसिपी शेयर करती हूँ, ठीक है। सबसे पहले भी उसका डो प्रिपेयर कर दे, ओके। चीज फटायर का जो डो प्रिपेयर कर लेते हैं, ये देखो मैंने 1 टेबलस्पून जो इंस्टेंट ईस्ट ली हूँ, नॉर्मल लैंग्वेज में इसको खमीर बोलते हैं, तो ये ऐड करूंगी, 1 टेबलस्पून ली हूँ, ठीक है। 1 टीस्पून सॉल्ट, सॉल्ट की क्वांटिटी जो है आप लोग ज्यादा ऐड मत करना क्योंकि चीज में भी नमक रहता है वरना सॉल्टी हो जाएगा, तो ये ऐड करूंगी, ठीक है। 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, हाँ फ्रेंड्स बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर ऐड करना है, ओके। अब इसमें जो 2 टेबलस्पून ल्यूकवार्म वाटर ऐड करना है, हल्का नीम गरम पानी, ताकि ईस्ट जो है वो अच्छे से एक्टिवेट हो जाए, ठीक है, ये ऐड कर दिए। अब इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून कर्ड, दही ऐड करूंगी, इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1/4 कप जो मैं ऑलिव ऑयल यूज करूंगी, जैतून का तेल, अगर ये अवेलेबल नहीं रहेगा तो नॉर्मल ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर वैसी ऑथेंटिक आप लोगों को फ्लेवर और टेस्ट, तो ऑलिव ऑयल ही ऐड करना, ठीक है। तो ये 1/4 कप ऐड करना है, स्ट्रेन करना है, उसके बाद इसमें ऐड करना है, ओके। थिनर यूज कर सकते, मेरे पास ये अवेलेबल है तो मैं ये यूज कर रही हूँ। फ्रेंड से दूसरा कप ऐड कर रही हूँ, ठीक है। फ्रेंड्स अब इसमें 1 कप मिल्क ऐड करूंगी और इसका सॉफ्ट सा डो प्रिपेयर कर लूंगी, सॉफ्ट आटा जैसे गूंदते ना नॉर्मल वैसे ही आटा गूंदना है, ठीक है। 1 कप मिल्क जाएगा इसमें, आटा गूंद के होने के बाद मैं सबसे पहले असर की नमाज पढ़ लेती हूँ, असर की अजान हो गई है, फिर मैं आप लोगों की प्रिपरेशंस बताती हूँ, ठीक है। तो चलिए जल्दी से मैं आटा गूंद लेती हूँ, ओके। फ्रेंड्स ये देखो सॉफ्ट डो जो है गूंद चुका है, अब इसको रेस्ट करने छोड़ देते हैं ताकि ये थोड़ा सा राइज हो जाए, ठीक है, क्योंकि ईस्ट डाला हुआ है ना इसके लिए। अभी इसको ढक के 20 मिनट्स तक रखना है जब तक ये अच्छे से राइज हो जाएगा। मैं नमाज पढ़ के आती हूँ, उसके बाद आप लोगों को इसके अंदर की फीलिंग बताती हूँ, ठीक है। फ्रेंड्स ये देखो मैंने 1.5 कप जो इसमें चीज ली हूँ, मोजरेला चीज ली, इसमें 1 टीस्पून जो है वो ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करूंगी, काली मिर्च का पाउडर, बहुत फ्लेवरफुल बनता है फ्रेंड्स ये। 1 टीस्पून फ्रेंड्स इसमें ड्राई मिंट लीव्स ऐड कर रही हूँ, पुदीने की पाउडर, ठीक है। 1 टीस्पून इसमें जाएगा ओरिगैनो, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, लहसुन का पाउडर, ओके। इसमें एक जाएगा अंडा, 1/4 टीस्पून सॉल्ट इसलिए नहीं ऐड कर रही हूँ फ्रेंड्स क्योंकि चीज में भी सॉल्ट रहता है, ठीक है, और बैटर में भी हम लोगों ने सॉल्ट डाले हैं तो वरना ज्यादा सॉल्टी हो जाएगा, तो इस टाइप में बनाओगे तो वो बैलेंस हो जाता है सॉल्ट, ओके। क्या खुशबू आ रही है फ्रेंड्स, चलो अल्हम्दुलिल्लाह ये फीलिंग डन हो गई है, अभी जल्दी से रोल कर लेती हूँ उसके पेड़े बना के, अभी फीलिंग फील करते। ये देखो फ्रेंड्स डो कितना माशाल्लाह अच्छे से राइज हो गया, आप लोग देख सकते हो, ये देखो इसको डिफ्लेट करती हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छे से हो गया है। आप लोगों के पास फ्रेंड्स ड्राई सिलेंटो रहेगा ना, ड्राई धनिया, तो वो भी ऐड कर देना, उसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। एक्चुअली मैं अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है इसलिए ऐड नहीं कर रही हूँ। मैं इसको फ्रेंड्स एयर फ्रायर में बेक करने वाली हूँ, इसलिए इसकी साइज जो थोड़ी हल्की छोटी ही रखूंगी। अगर आप लोग ओवन में बेक करने वाले रहेंगे तो पेड़े की साइज जो थोड़ी बड़ी रख देना, ओके।
फ्रेंड्स ये देखो, इसको जस्ट यहाँ से इस तरीके से फोल्ड करना है, पिंच करना है दोनों साइड से, ताकि जो फिलिंग हम लोग जब इंसर्ट करेंगे अंदर तो वो ओपन नहीं हो। ठीक है, जस्ट प्रेस करना है उसको, अंदर की तरफ से ऐसे फोल्ड करते जाना है, बस। बहुत इजी है फ्रेंड्स। देखो इस टाइप में, अब इसको मिल्क वॉश दूंगी फ्रेंड्स, हल्का हल्का मिल्क अप्लाई करना है। और फिर सेसमे सीड्स। तो मैंने खजूर की स्टिकी पुडिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी हूँ। इसके लिए खजूर जो लगेगा वो 300 ग्राम्स लगेगा। ठीक है, तो इसके लिए मेजर कर रही हूँ। इस पुडिंग में जो मेजरमेंट फ्रेंड्स एग्जैक्ट होना चाहिए, जितनी मैं क्वांटिटी में बता रही हूँ ना आप लोगों को, उसी हिसाब से ऐड करना। ठीक है, तो डेट्स की क्वांटिटी जो रहेगी वो 300 ग्राम्स है। ओके, के सीड निकाल के फ्रेंड्स ये देखो, वेट में जो 299 ग्राम शो कर रहा है, मतलब वही 300 ग्राम ही रहेगा वो अप्रोक्सीमेटली। तो डेट्स की सीड निकालने के बाद इसकी क्वांटिटी जो है वो 300 ग्राम रहना चाहिए। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले भी हैंड वॉश करती हूँ, सीड रिमूव करी हूँ ना, फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस शेयर करती हूँ आप लोगों से। फ्रेंड्स ये देखो, 1 कप एंड 1/4 कप जो मिल्क है, अब इसमें मैं डेट्स एड करूंगी 300 ग्राम कि मैंने बीज निकाल दी। ओके, हल्का गरम दूध लेना फ्रेंड्स, तो ही वो अच्छे से सोख हो पाएगा। अब डेट को जो है अच्छे से सॉफ्टन अप करने के लिए, ताकि वो अच्छे से बीट हो जाए, इसमें हम लोग बेकिंग सोडा ऐड करेंगे, और इसे पुडिंग भी जो एकदम स्पंजी बनती है। तो ये 1 टीस्पून जो बेकिंग सोडा ऐड करूंगी, बेकिंग पाउडर नहीं फ्रेंड्स, हाँ बेकिंग सोडा, कंफ्यूज मत होना। तो ये 1 टीस्पून। ओके, अब मेरे पास फ्रेंड्स टाइम नहीं है, इसलिए मैं ये हैंड बीटर से इसको बीट कर रही हूँ, ताकि वो अच्छा सा पेस्ट फाइन सा बन जाए। अगर आप लोगों के पास टाइम रहेगा तो उसको अच्छे से सोक करके फिर वो बीटर से लास्ट में भी किए तो चल जाता है। चलिए, मैं एक्चुअली में ना फ्रेंड्स अभी टाइम भी हो गया, इसलिए मैं हैंड ब्लेंडर से उसको ब्लेंड करी ताकि फाइन सा पेस्ट हो जाए। तो फ्रेंड्स डेट जो है वो अच्छे से ब्लेंड हो गए, तरफ चलते हैं। देखो मैंने बाउल लियू, इसमें भी मैं ऐड करूंगी 1/2 कप ब्राउन शुगर। अगर आप लोगों के पास ब्राउन शुगर अवेलेबल नहीं हो तो नॉर्मल शुगर भी ऐड कर सकते, लेकिन इसमें ऑथेंटिक रेसिपी में जो है वो ब्राउन शुगर ही ऐड होती है। ठीक है, तो ये ऐड करूंगी, ये 1/2 कप है। डेट्स भी हमारे स्वीट्स रहते हैं, तो इससे ज्यादा मत ऐड करना, वरना एकदम ज्यादा मीठा मीठा हो जाएगा। अभी इसमें ऐड करूंगी 1 टीस्पून वेनिला एसेंस, ये 1 टीस्पून जाएगा। ओके, और अंडा ऐड करना है, एग। हाँ, क्या तुम डराते मेरे को फ्रेंड्स। अभी चलिए मैं इसको विस्क करती हूँ। अब इसमें फ्रेंड्स 1/3 कप जो बटर जाएगा, मस्का निकल बाबा। ये 1/3 कप है। ओके, पहले एक अंडे को बीट करना है, उसके बाद दूसरा एग ऐड करना है, टोटल 2 अंडे जाएंगे इसमें। तो इसको ट्राई करना एक बार बना के। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके अंदर जो है वो डेट का मिक्सचर ऐड करूंगी, जो मैंने डेट को ब्लेंड की थी ना वो वाला, इसको अच्छे से बीट करना है। फ्रेंड्स मेरे किचन थोड़ा मैसी है, तो प्लीज इग्नोर कर देना। ये देखो 1 कप ले रही हूँ, तो ये ऐड करूंगी मैदा। फ्रेंड्स ये आप लोग बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हो, अभी ये आप
फ्रेंड्स, अब ये आप लोगों को थोड़ा पतला लगता रहेगा लेकिन ऐसी टाइप में बैटर रहता है इसका, इसीलिए उसको स्टिकी पुडिंग बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं इसको जल्दी से मोल्ड आउट कर लेती हूँ बेक करने के लिए। ये देखो फ्रेंड्स, मेरे पास सिलिकॉन के मोल्ड्स हैं, तो इसमें मैं इसको बेक करूंगी, ठीक है। अभी तक इसका सॉस भी बनाना है फ्रेंड्स के। फ्रेंड्स, अभी इसको बेक करने के लिए रखने के बाद सबसे पहले भी फ्राई कर लेती हूँ जो मुझे फ्राई करना है जल्दी जल्दी। गर्म है फ्रेंड्स, ये देखो अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है इस पे। अब इसको मैं डीमोल्ड करती हूँ। मैंने इसको फॉक की हेल्प से चेक करी, अंदर से भी अच्छे से कुक हो गया है। एक्चुअली मैंने फीलिंग जो ज्यादा भर दी थी जल्दी जल्दी में, तो देखो थोड़ा ऊपर आ गया, बट जाने तो कोई नहीं, अभी टाइम भी नहीं है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखना, मैंने जो गलती करी वो आप लोग नहीं करना, ओके। फ्रेंड्स, इसका शेप आप लोग थोड़ा कंसिडर कर लेना, क्योंकि अभी प्लीज मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत ज्यादा लेट हो गया है मुझे। इसको डीमोल्ड करती हूँ, नीचे से एकदम स्टार शेप अच्छा आया है। फ्रेंड्स, ये देखो कितना स्पंजी बना है, आप लोग इसकी कंसिस्टेंसी से आपको पता चलता रहेगा कितना बाउंसी हुआ है। देखो टेस्ट में भी बहुत डिलीशियस लगेगा इंशाल्लाह, ठीक है। फ्रेंड्स, अभी इसके ऊपर मैं कैरेमल पोर करूंगी और फिर उसके बाद जो आइसक्रीम के साथ इसको सर्व करेंगे वो डिलीशियस लगेगा, ओके। चलिए इसको اشرح صدري قرآن املأ قلبي